33 दोपहर का समय, कायरा कॉलेज से बाहर निकलती है, तभी एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है, दीदी दीदी मेरी माँ को चोट लग गई है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, मदद कर दो। कहाँ है वो? चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। कायरा उस बच्चे के साथ जाती है। आधे रास्ते में वो बच्चा कायरा का हाथ छोड़कर भाग जाता है। अरे रुको! लेकिन तब तक वो बच्चा चला जाता है। यार अजीब बच्चा है। तभी कायरा की नजर अपने आसपास जाती है। कायरा खुद से कहती है, यार कितनी अजीब जगह है, कोई दिख भी नहीं रहा। तभी कृष कायरा के सामने आ जाता है। कायरा उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल करण की तरह दिखता था। कायरा कुछ कहती उससे पहले ही कृष उसे बेहोश कर देता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। जब करण को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कायरा उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करके गई थी। कायरा को जब भी मस्ती करनी होती थी तो वो ऐसा ही करती थी, लेकिन इस बार वो काफी देर तक गायब थी। करण ने सब और पता कर लिया था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। एक बंद कमरे में कायरा को वहां बांध कर रखा गया था। तभी रौनित वहां आया। रौनित ने कायरा का मुंह खोलकर कहा, कैसी हो कायू? कायरा हैरान थी। रौनित अंकल, क्या हुआ, शौक लगा? इससे ज्यादा शौक तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने किडनैप किया है। कहाँ है वो? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता, और अगर तुम उसे कुछ बताओगी तो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। तभी उसका फोन बजने लगता है। देखो तुम्हारे बाप का फोन है, तुम्हें खोजने के लिए मुझे बुला रहा है। कायरा का गाल थपथपा कर वो कहता है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वो बोलकर बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर कृष किसी सोच में गुम था। तभी रौनित बाहर आया। रौनित ने कृष से कहा, इस पर नजर रखना। जी। रौनित वहां से निकलकर वृंदावन की तरफ चला जाता है। रौनित ने कृष से कमरे के बाहर रहने को कहा था। करीब आधी रात तक कृष ने किसी तरह खुद को रोक कर रखा था। रात 12 बजे कृष खुद से कहता है, रात बहुत हो गई है, दी ने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। फिर वो अपने शब्दों पर गौर करते हुए कहता है, दी? मैंने उन्हें दी क्यों कहा? जाने दे कृष, पहले खाना लेकर आ। कृष खाना लेकर कमरे में गया तो कायरा आंखें बंद करके लेटी थी। किसी की आहट पाकर जब उसने आंखें खोली तो अपने सामने कृष को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कृष उसके आंसू पोंछकर बोला, आप जल्दी अपनी फैमिली के पास होंगी, बस मुझे कुछ बातें जाननी है। कायरा उसे मुंह खोलने का इशारा करती है। कृष उसका मुंह खोल देता है। लेकिन तुमने मुझे किडनैप किया है, अगर कुछ गलत हुआ तो? कृष ने झट से कहा, कभी नहीं होगा। फिर उसने नजरें चुरा कर कहा, आप मेरी बहन जैसी हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। फिर उसने खाने का पैकेट आगे करके कहा, खाना खा लीजिए। कायरा ने कहा, हाथ बंधे हैं, मैं खिला देता हूँ। कायरा ने कहा, मुझ पर भरोसा नहीं है। कृष ने कहा, आपको बहन मानता हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ, वरना मेरा अंदर आना भी मना था। खिला दो। कृष उसे खाना खिलाता है तो कायरा की आंखों के सामने करण और काव्या का चेहरा आ जाता है। कायरा कहती है, नहीं डैड और मॉम ने भी नहीं खाया होगा। कृष खाना साइड में रखकर कहता है, बहुत प्यार करते हैं ना आपके मम्मा पापा आपसे। कायरा कृष का चेहरा पढ़ने की कोशिश करती है, सभी के मम्मा पापा करते हैं। तभी कृष ने कहा, नहीं कुछ लोगों के माँ बाप होते हैं जो बिना मतलब के प्यार नहीं देते। कायरा कुछ सोचकर कहती है, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कृष कि वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है? उनकी बातों से या फिर उनके व्यवहार से? कृष ना चाहते हुए भी कायरा की बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। देखो ना तुम्हारे हाथ पर बिल्कुल मेरे डैड जैसा निशान है, हो सकता है तुम करण खुराना के बेटे हो। कृष ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर ये बताइए कि आप सब इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? कायरा ने कहा, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? मानोगे कि तुम मेरे भाई हो? मानोगे तुम कृष करण खुराना हो? कृष ने कहा, मेरे अंदर एक बात बहुत बुरी है, मैं लोगों की आंखें पढ़ सकता हूँ। जब से होश संभाला है मॉम डैड की आंखों में झूठ ही देखा है, इसीलिए कभी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आप बताइए। तभी कायरा ने कहा, मैं तुम्हें अपने मॉम डैड की पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये मुझे मेरे फूजी यानी फूफा जी ऋषि तनेजा ने बताई थी, मेरे मॉम डैड की लव स्टोरी, माय बिलियनियर्स डैड्स ट्रू लव।
ये बोलकर कायरा क्रिश को सारी बातें बता देती है। आज के वक्त कायरा उससे कहती है, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था डैड। करण ने कहा, यकीन नहीं होता रोनित मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तभी ऋषभ ने कहा, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था मामू कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं जान ले लूं उनकी। तभी वाणी ने कहा, बिल्कुल उनकी वजह से हम सब अपने भाई से दूर रहे। डैड अभी वो कहाँ है? कायरा ने पूछा। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया है, 3 दिन में आ जाएगा। फाइन, अभी पहले हम क्रिश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वाणी ने कहा। तभी ऋषभ ने कहा, हाँ मेरी भी मम्मा से बात हुई, वो लोग भी क्रिश के बारे में जानने के बाद कल ही आ रहे हैं। ठीक है, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ सब, करण ने कहा। वाणी और ऋषभ चले जाते हैं। करण जैसे जाने के हुआ कायरा उसे लिपट गई। करण ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जा बच्चा। कायरा ने रोते हुए कहा, क्यों किया उन्होंने डैड? गलती मेरी है डैड। हमेशा से लोग मेरे दुश्मन मेरे पैसों की वजह से बने। ना तो मैं द विलेनियर करण खुराना बनता और ना मेरा बच्चा हमसे दूर होता। डैड प्लीज, आपने दिन रात मेहनत की इसीलिए आप वहां हो। जो हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कायू डैड, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आप किसी ना किसी इंसान की कहानी में बुरे जरूर होंगे। आपने अपना 100% दिया है एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा। ये बोलकर करण जाने लगता है तो कायरा पीछे से कहती है, डैड आपके 20 सालों का इंतजार आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, आपकी गलती सिर्फ उतनी है जितनी आपके डैड की थी आपके मामू के केस में। करण ने लंबी सांस लेकर कहा, सच कहा, गलती मेरी नहीं वक्त की है। जाइए, कायरा ने कहा। करण अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। करण के कमरे में क्रिश काव्या की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था और काव्या हमेशा की तरह नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। करण अंदर आते हुए कहता है, बस करो वाइफी, बेचारा मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा। पापा प्लीज, मैं तरसा हूँ हमेशा इस चीज के लिए, बोलने दीजिए ना मम्मा को, क्रिश ने कहा। ये सुनकर करण और काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई एम सॉरी, करण ने कहा। क्रिश करण के गले लगकर बोला, नो पापा, आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। करण क्रिश का सर अपनी गोद में रख लेता है। क्रिश धीरे धीरे सो जाता है। काव्या सिर्फ उसे देख कर मुस्कुरा रही थी। क्रिश का सर करण की गोद में था और उसने एक हाथ से करण का और एक हाथ से काव्या का हाथ जोर से पकड़ रखा था, मानो छोड़ दिया तो वो कहीं चले जाएंगे। सो जाइए, काव्या ने कहा। तुम? करण, ये आपका इंतजार था, मुझे तो क्रिश के बारे में कुछ पता भी नहीं था। आज आपके सीने वाली जगह क्रिश की है, मेरी नहीं। करण क्रिश को लेटाकर लेट जाता है। काव्या जैसी जाने को हुई, करण ने उसका हाथ पकड़कर क्रिश की दूसरी तरफ लेटा दिया और धीमी आवाज में कहा, माना कि इंतजार मेरा था, लेकिन कुछ तो हक तुम्हारा भी है, आखिर वो बेटा है तुम्हारा। ये बोलकर करण काव्या का माथा चूमकर वापस क्रिश की दूसरी तरफ लेट जाता है। काव्या भी क्रिश का माथा चूमकर करण को देखते हुए सो जाती है। करण दोनों के सोने के बाद दोनों का माथा चूमता है और खुद से कहता है, आज जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। 34। अगले दिन सुबह, कायरा का कमरा। कायरा आराम से सो रही थी, तभी कायरव वहां आया। कायरव ने कायरा को हिलाते हुए कहा, दीदी उठो। चादर खींचते हुए कायरा ने कहा, क्या है कायरव, सोने देना। कायरव उसे खींचते हुए कहता है, अरे दी उठो, चलो आपको कुछ दिखाना है। कायरव, अगर ये तेरी फिर से कोई नई गर्लफ्रेंड हुई ना तो तेरी खैर नहीं। दी, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो देखकर आप खुश हो जाओगे, वो तो बाद में पता चलेगा। कायरव कायरा को लेकर करण के कमरे में जाता है। वहां का नजारा देखकर दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। क्रिश और काव्या ने करण को दोनों तरफ से पकड़ रखा था और क्रिश छोटे बच्चे की तरह दोनों के बीच में सो रहा था। कायरव जैसे ही फोन निकालकर फोटो लेने को होता है, कायरव से रोक कर कहती है, कुछ पलों को कैद करने के बजाय जी लेना चाहिए। उसका ऐसे कहते ही कायरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जाकर काव्या की दूसरी तरफ उसे पकड़कर लेट जाता है। कायरा भी जाकर करण की दूसरी तरफ उसे पकड़कर लेट जाती है।
कायरा और कायरव के छूने से करण और काव्या की नींद खुल जाती है। करण कायरा की तरफ पलट कर कहता है, गुड मॉर्निंग बच्चा। कायरा करण की तरफ पलट कर कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग डैड। कायरव काव्या की गाल पर किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। कायरव यार मेरी बीवी है, करण ने कहा। तभी कायरव ने कहा, और मेरी मम्मा है, आपको जो करना है करो। तभी कृष की भी नींद खुल जाती है। कृष मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता है और सभी एक साथ उसे गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं। कृष बैठते हुए कहता है, आज सचमुच मॉर्निंग गुड है। कायरव कृष की पीठ पर लटक कर कहता है, सच में अब हमारी फैमिली कंप्लीट है। तभी काव्या कहती है, चलो सब फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। सभी नीचे चले जाते हैं। करण की स्टडी रूम में करण बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी कृष वहां आया। कृष ने धीरे से बोला, पापा। करण सर उठाकर बोलता है, हाँ कृष बोलो। वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। कृष बैठते हुए फाइल आगे कर देता है, ये शायद आपके काम आ जाए। करण फाइल लेते हुए देखता है, पर ये है क्या? पापा मैं जानता हूँ कि आप रौनित अंकल को लेकर थोड़ा परेशान हो और उन्हें आप लीगल तरीके से सजा देना चाहेंगे, तो इस फाइल में उन तीनों के खिलाफ सबूत है। ये चीजें पिछले 20 सालों से मैंने इग्नोर की, लेकिन शायद अब इसकी जरूरत पड़े। करण ने खुशी से कहा, थैंक यू कृष, ये बहुत जरूरी था। अब तुम जाओ, ये मैं देख लूंगा। कृष कमरे से बाहर आकर खुद से कहता है, आप उन्हें लीगली सजा दीजिए पापा, मौत उन्हें मैं दे दूंगा। आपके आंसू और माँ की हर तकलीफ का हिसाब तो उन्हें देना ही होगा। ये बोलकर वो किसी को फोन करके कहता है, एक काम बता रहा हूँ, हो जाना चाहिए। शाम का समय पूरा परिवार एक साथ बैठा था। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से ऋषि, जैस्मिन, ऋतु और राधिका यानी कि ऋषभ की पत्नी उतरी। कृष ने राधिका को देखकर कहा, राधिका दी आप? कृष तू? राधा तुम कृष को जानती हो? ऋषभ ने पूछा। हाँ ये मेरे कॉलेज में था, एक बार इसने मेरी मदद भी की थी। ऋषभ की तरफ मुड़कर वो कहती है, आपको याद है मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था? हाँ वो कृष ही था जो मुझे लेकर हॉस्पिटल गया था। ओ तो फिर मिलो मेरे भाई कृष करण खुराना से, ऋषभ ने कहा। ये सुनकर करण और कृष दोनों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष बहुत खुश था, उसे उसका पूरा परिवार मिल चुका था जिसका सपना उसने हमेशा से देखा था, वो आज पूरा हो चुका था। कृष्ण ने मन ही मन कहा, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब बस मुझे अपने परिवार पर से विवेक, करिश्मा और रौनित नाम के ग्रहण को हटाना है और ये काम कल ही होगा। अब बस आप वापस आइए रौनित अंकल, ये कृष खुराना आपका वो हर्ष करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह कृष के कमरे में कृष आराम से सो रहा था, तभी उसका फोन बजा। कृष ने फोन उठाकर नींद में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, वो लैंड कर चुका है कृष। कृष झटके से उठकर आता है, आप अपना काम कीजिए, पापा को लेकर मैं पहुंचता हूँ। दूसरी तरफ, ठीक है, वो आदमी फोन रख देता है। तभी कृष खुद से कहता है, गेट रेडी मिस्टर रौनित। इधर करण के कमरे में करण सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी कृष वहां आया, पापा। हाँ कृष बोलो। कृष इधर उधर देखते हुए कहता है, माँ नीचे भाभी के साथ है। ओ अच्छा पापा, वो रौनित अंकल आ चुके हैं। अहमद से कहो वो उसे अपने साथ ही रखे, हम आराम से चलेंगे। ठीक है पापा। दोपहर के समय शहर से बाहर रौनित चिल्लाते हुए कहता है, क्यों पकड़ कर रखा है मुझे, हो कौन तुम लोग? सामने खड़ा एक आदमी कहता है, तेरी मौत। तभी करण और कृष वहां आ जाते हैं। करण रौनित के पास बैठते हुए कहता है, कैसे हो रौनित? वैसे इससे मिलो, ये है मेरा बेटा, बड़ा बेटा, कृष करण खुराना। रौनित नजरे इधर उधर करके कहता है, करण सर ये आप क्या कह रहे हैं? कृष ने गुस्से से कहा, अपना ये नाटक बंद कीजिए, सब कुछ पता है हमें, अब अपना गुनाह खुद कबूल कीजिए या फिर पुलिस आकर हिसाब लेगी। रौनित ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, ठीक है तो अब मेरे मुंह से सुन लो। हाँ मैं नफरत करता हूँ करण खुराना, तो
तुझसे बहुत ज्यादा नफरत। लेकिन क्यों? क्योंकि तूने मेरे भाई को मारा था, रॉनित ने गुस्से से कहा। क्योंकि तूने मेरे भाई को मारा था करण खुराना, तेरी वजह से मैं अनाथों की जिंदगी बिता रहा हूँ। तूने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया, करण ने गुस्से में कहा। चुप, बिल्कुल चुप। तेरे भाई को मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा था, और वैसे भी वो कोई संत महात्मा नहीं था, लड़कियों की स्मगलिंग करता था। हाँ, मुझे उस बात का बुरा लगा था, इसीलिए तुम्हें अपने सगे भाई से बढ़कर प्यार दिया। लेकिन तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। गलत किया रौनित, अगर ये काम किसी और ने किया होता तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मारता, लेकिन तुझे नहीं मार सकता, इसीलिए पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। तभी रौनित ने कहा, ले कर ले जो करना है करण खुराना। जिस दिन मैं जेल से बाहर आया उस दिन तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा। जानता है, मेरा प्लान तो तेरी बेटी को गायब करने का था, लेकिन तू, तेरी बीवी और तेरा वो अहमद खान साई की तरह उसके पीछे रहते हैं। तब मुझे करिश्मा और विवेक का पता चला। ये जानकर मैंने उसका इस्तेमाल किया, उसे कहा कि तेरे बच्चे को मार दे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। फिर मैंने उसे गायब करने का प्लान किया, लेकिन उस बेवकूफ करिश्मा ने आधी बात सुनकर तेरे सिर्फ एक बेटे को गायब किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तेरे एक बेटे को ही तेरे खिलाफ भड़काया जाए, लेकिन ये भी तेरा ही निकला। तेरे खिलाफ भड़का ही नहीं पाया मैं इसे, करण ने गुस्से में कहा। अहमद, पुलिस को बुलाओ और इसे उनके हवाले करो। ये बोलकर करण क्रिश के साथ बाहर चला जाता है। क्रिश बाहर आकर कहता है, पापा शायद मैं अपना फोन अंदर भूल गया हूँ, मैं अभी लेकर आया। कमरे के अंदर आते ही क्रिश ने कहा, अहमद चाचा, आपको जो काम कहा था वो हो जाना चाहिए। कौन सा काम? रौनित ने कहा। तभी क्रिश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने कहा था कि जिस दिन आप जेल से बाहर आएंगे उस दिन आप मेरे परिवार को खत्म कर देंगे, तो कैसा हो अगर आप जेल जाए ही ना, उसके पहले ही एक एक्सीडेंट में आप मारे जाएं, या पुलिस आपका एनकाउंटर कर दे, या फिर मैं खुद आपको तड़पा तड़पा कर मार दूं। खैर जो भी होगा आज ही होगा, और वैसे भी आज मुहूर्त बहुत अच्छा है, लेकिन पहले आपके उन दो साथियों को तो आ जाने दीजिए। फिर अहमद की तरफ मुड़कर उसने कहा, अहमद चाचा नजर रखिए इन पर, और हाँ, पापा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर रौनित की तरफ मुड़कर कहता है, तैयार रहिए अपनी मौत से मिलने के लिए। ये बोलकर क्रिश बाहर चला जाता है और छोड़ जाता है रौनित की आंखों में खौफ। क्रिश बाहर आकर कहता है, पापा आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? पापा वो सारे सबूत मैंने जमा किए हैं, तो पुलिस को मेरा स्टेटमेंट चाहिए होगा, तो मैं बस वो काम करके आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जी पापा। करण वहां से चला जाता है। क्रिश किसी को फोन करके कहता है, उन दोनों को उठवा लो, आज ही ये काम खत्म करते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके सर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।